तो मेरे भाई आज का फोटो एडिटिंग आप लोग के लिए इतना ज्यादा स्पेशल होने वाला है कि आप लोग को कोई बताया भी नहीं होगा कि इतना अच्छा तरीका से सीवी बैकग्राउंड और फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ओरिजिनल फोटो कैसा है, मतलब कितना खराब टाइप का। और इसको एडिट करने के बाद यार इस फोटो का तो कोई जवाब ही नहीं है। और इस फोटो को मैंने इतना अच्छा कैसे बनाया है सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आगे बताने वाला हूँ। और वीडियो को आप लोग जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा अगर आप लोग एडिट सीखना चाहते हो तो। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए उसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को अपने मोबाइल में स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे बड़ा सा प्लस का आइकन मिल जाता है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को गैलरी से जो भी फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली वो फोटो को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ये फोटो वाले ऑप्शन से जो भी फोटो को हमको एडिट करनी है वो फोटो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे तो मैं इस फोटो पे आज बता रहा हूँ, तो इस सिंपली इस फोटो को ले लेंगे, ऐड कर लेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है और एडिटिंग का भी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है भाई। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे नीचे बीच में टूल्स का ऑप्शन पर जाना है। और यहाँ से आप लोग को सबसे यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हो, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे आप लोग को कॉम्बो 2 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कॉम्बो 2 को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे स्किन स्मूथिंग को पूरा बढ़ा देना है। ये करने से क्या होगा कि आपके अगर स्किन पे थोड़ा बहुत पिंपल है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो बिफोर और आफ्टर, मतलब थोड़ा चेंजिंग हो चुका है अब तक एक क्लिक में, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से आप लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है। और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो इसका क्या काम है आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे अगर आपके फेस में जो भी डार्क वाला एरिया होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद साइज को छोटा कर लेंगे। और छोटा करने के बाद ब्राइटनेस को कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप लोग को व्हाइट करना है उतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और जहाँ जहाँ आपके स्किन पर लगे कि हाँ डार्क एरिया है वहाँ पे ब्लैक है तो वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कीजिएगा। तो देख सकते हो कि मैं इसको जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ देख सकते हो आप लोग अच्छे तरह से ध्यान से देखिए यहाँ पे इतना अच्छा तरह से गोरा हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को क्या करना है कि आपके पूरे स्किन में एकदम अच्छे तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक है भाई। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ताकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, उसके बाद आगे आप लोग को बताते हैं। और इतना कर लेने के बाद आप लोग को नीचे अप्लाई यानी डन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो सिंपली आप इससे कर देंगे इसको डन। और डन करने के बाद बिफोर और आफ्टर देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा अभी तक चेंजिंग हो चुका है, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है और नीचे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा। तो नीचे आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डबल एक्सपोजर का, ठीक है, ये रहा डबल एक्सपोजर का ऑप्शन। तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे एड फोटो वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को गैलरी से क्या करना है, एक बैकग्राउंड को ले लेना है। जो बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग अगर वो बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो तो सिंपली वो बैकग्राउंड यूज कर सकते हो वहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है भाई। तो ये रहा सीवी बैकग्राउंड। तो सिंपली हम इसको इस फोटो में ऐड करने वाले, ठीक है। तो कैसे हम ऐड करेंगे, स्नैपसीड एप्लीकेशन से बैकग्राउंड को आप लोग ध्यान से देखते रहे। तो यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन है, तो इसको सिंपली इसको कर देंगे 100, मतलब पूरा फुल कर देंगे। और इतना कर लेने के बाद आप लोग को नीचे अप्लाई यानी डन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है भाई। उसके बाद ऊपर आप लोग को अंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप लोग को व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। और यहाँ से सबसे ऊपर डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर बीच में एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ये आपको अप्लाई करते टाइम 100 रहना चाहिए, ठीक है। तो 100 है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मॉडल के बैकग्राउंड में, मतलब जो फोटो होगा हमारा अपना बॉडी होगा उसके बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से एकदम आराम से अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि बॉडी पर आ गया अप्लाई करते करते, तो आप लोग को यहाँ पे तीर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको पूरा जीरो कर देंगे। और जीरो करने के बाद यहाँ से इसको हटा लेंगे, ठीक है भाई। और हटा लेंगे उसके बाद फिर से इसको कर देंगे 100 कर देंगे। और 100 करने के बाद कुछ इस तरह से एकदम जितना ज़्यादा जूम हो सके, जितना ज़्यादा जूम करके इसको अप्लाई कीजिएगा, मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कीजिएगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से पूरा जूम कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। और मैं बता दूँ कि अगर आप लोग को ऐसी और भी ज़्यादा एडिट सीखनी हो अच्छा, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। और इतना कर लेने के बाद देख सकते हो आप लोग की बैकग्राउंड यार कितना अच्छा तरह से यहाँ पे रिमूव हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नीचे डन का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली वहां से डन करेंगे तो जो भी काम किए रहिएगा वो यहाँ पे इस फोटो पे सेव हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से इसको कर देना है डन। और डन करने के बाद अभी इसमें और काम बाकी है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे। और टूल्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद ऊपर सबसे ऊपर आप लोग को ट्यूनिवेज का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूनिवेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे। तो ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा देते हैं जैसे कि +11, और कॉन्ट्रेस्ट को भी हल्का बढ़ा देते हैं जैसे कि +17, और सेचुरेशन को, ये सब अपने फोटो के अकॉर्डिंग कीजिएगा जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे एम्बियंस को भी हल्का बढ़ा देंगे और यहाँ पे हाईलाइट को भी हल्का बढ़ा दिया, प्लस
17 करोड़। और इतना कर लेने के बाद इसमें अभी दो काम और बाकी है जो कि इस फोटो को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। तो यहाँ पे बाल को बनाना है, जो कि बाल अभी यहाँ पे रिमूव की है, बैकग्राउंड रिमूव किया है, तो बाल यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। बाल को और शर्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखते। तो इस फोटो को क्या करेंगे, स्नैपसीड एप्लीकेशन से गैलरी में सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सेव का ऑप्शन मिल जाता है आप लोग को, तो यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को बैक चले जाना है गैलरी में, ठीक है। तो यहाँ से बैक गैलरी में चले जाएंगे और जो अभी फोटो स्नैपसीड से डाउनलोड होकर आया सिंपली उस फोटो को ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक काम करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, पिकार्ट एप्लीकेशन में इस फोटो को सेंड करना है, ठीक है। वो एक काम क्या है, कपड़ा का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे इस फोटो को और यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद यहाँ से हम कपड़ा का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ऊपर आप लोग को बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिक्स कलर का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली ये वाले कलर पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, बैकग्राउंड हमारा थोड़ा ऑरेंज टाइप से है तो यहाँ पे ऑरेंज कलर को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बैकग्राउंड आप अगर दूसरा यूज करते हैं तो दूसरा कलर लेंगे अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस कलर को हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद साइज को बड़ा कर लेना है, जैसे कि पूरा कपड़ा ढक जाना चाहिए। और इतना कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऊपर इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे, आप लोगों को नीचे रिएस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके हार्डनेस को 88 या फिर 90% और साइज को हल्का छोटा कर लेंगे, ठीक है। और इतना कर लेने के बाद शर्ट पर हल्का पहले अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हल्का ही करेंगे अभी, उसके बाद पूरा करना है, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन, एक ही बार डन करेंगे, ठीक है, एक बार से ज़्यादा डन नहीं करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे मल्टीप्ले, ठीक है। तो मल्टीप्ले कर देंगे, उसके बाद आप लोग को फिर से इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है और इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को जूम कर लेना है अपने कपड़े को जहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इतना कर लेने के बाद आप लोग को फिर से रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको क्या करेंगे, अपने कपड़े पे एकदम अच्छे तरह से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपका कपड़ा हो बॉडी, मतलब जो भी आप कपड़ा पहने हो वो कपड़ा का कलर अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो उस पर सिर्फ अप्लाई करेंगे, बाकी इसको फेस पे या फिर बैकग्राउंड पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है भाई। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। और इसको एकदम अच्छे तरह से अप्लाई करने के बाद देख सकते हो कि शर्ट का कलर कितना अच्छा चेंज हो चुका है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ से इसको कर देंगे डन और डन करने के बाद आप लोगों को कर देना है फिर से डन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अभी बाल को बनाना रह गया, ठीक है, बाल को और हल्का फेस को स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ से इसको सेव कर लेंगे पिकार्ट एप्लीकेशन से भी, इस फोटो को गैलरी में कर लेंगे सेव। फिर से आप लोग बैक गैलरी में चले जाना है और यहाँ पे आने के बाद फिर से अभी जो पिकार्ट एप्लीकेशन से जो सेव होकर आया है गैलरी में वो फोटो को ले लेंगे और इसको यहाँ से सेंड वाले ऑप्शन से सेंड कर देंगे ऑटोडिस स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। जो कि ये एप्लीकेशन बाल और फेस स्मूथ करने में यार बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप लोग के मोबाइल में नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रश टूल वाले आइकन पे चले आएंगे और यहाँ से आप लोग को बहुत सारा ब्रश मिल जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहे। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, स्मूथ वाले ब्रश में जाके आप लोग को सबसे पहला जो ब्रश आप लोग को मिल रहा है यहाँ पे वो वाला ब्रश को ले लेंगे वो ब्रश को। उसके बाद आप लोग को ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से आप लोग सेटिंग को ध्यान से देख लीजिए। तो साइज को आप लोग को रखना है 4.7% और फ्लो को इतना और स्ट्रेंथ को जितना मैं रख रहा हूँ और अपने फोटो के अकॉर्डिंग भी ये सब एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ध्यान से। और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको बाल को आप लोग बना सकते हैं और मैंने आप लोग को बताया कि स्नैपसीड एप्लीकेशन से जो यहाँ पे बाल के पास जो बैकग्राउंड को चेंज किया था तो यहाँ पे हल्का हल्का पता चल रहा था, मतलब हमारा फोटो का बैकग्राउंड चेंज है वो पता चल रहा था। तो यहाँ पे ये कर दीजिएगा तो जरा सा भी पता नहीं चलेगा। और मैं बता दूँ कि यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, जितना लंबा हाथ खींचेगा यहाँ से आप लोग बाल को लंबा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाल को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, अगर चाहते हैं आप लोग अगर बाल को ज़्यादा लंबा करना तो यहाँ पे आप लोग ट्राई कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। और बाल को बना लेने के बाद अब आता है फेस स्मूथ करने के बारे, ठीक है भाई। तो वो कैसे कर सकते हो आप लोग ध्यान से देखते रहे। तो यहाँ पे ब्रश को चेंज करना होगा तो सिंपली ब्रश टूल वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ से आप लोग को लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है और लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है और इसका सेटिंग आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ पे आप लोग को साइज को रखना है 4.7, सॉरी ये नहीं रखना है, आप लोग को फिर से जाना है आप लोग को लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से मैंने ब्रश को सिलेक्ट करना भूल गया है, तो यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे साइज को रखना है आप लोग को 28 या फिर 20% के राउंड और फ्लो को आपको 2% से ज़्यादा नहीं रखना है और स्ट्रेंथ को 45%, ठीक है भाई। और इतना रख लेने के बाद आप लोग को अगर आपके फेस में पिंपल है वहाँ पे कुछ इस तरह से अप्लाई कीजिएगा, तो देख सकते हो कि अप्लाई यहाँ पे फिंगर के मदद से अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे स्किन पे अप्लाई करते ही आप लोग देख सकते हो कि अगर फेस पे पिंपल रहेगा जरा सा भी वो एकदम अच्छे तरह से गायब हो जाएगा। तो इसको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और इतना कर लेने के
बाद फेस भी एकदम अच्छे तरह से स्मूथ हो जाएगा और यहाँ पे एडिट भी हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट। और इसको थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर लीजिएगा गैलरी में सेव। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।